हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि हमने अजमेर के टॉप 2 वाटर पार्क इस वीडियो के अंदर कवर करे हैं और सारी एक्टिविटीज, टाइमिंग्स क्या है, फूड क्या है, कॉस्ट्यूम चार्जेस, वो सब चीज़ें कवर करी है। सो आइए चलिए चलते हैं, और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। अब जिस पहले वाटर पार्क के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये है अजमेर का बिरला सिटी वाटर पार्क, जो कि बहुत ही फेमस है और राजस्थान का वन ऑफ द बिगेस्ट वाटर पार्क है। और अगर इसकी फीस के बारे में बात की जाए तो मंडे टू सैटरडे रहती है 500 और 400, और संडे को रहती है 600 और 500। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको कैश लाना ज़रूरी है, बिना कैश के टिकट्स में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप ब्लॉगर हैं या फिर कोई किसी तरीके का व्लॉग बनाते हैं तो अंदर जाके पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अंदर बॉलीवुड सॉन्ग चल रहे होते हैं। सो आपको वॉइस ओवर ही देना पड़ेगा, जैसे कि मैंने दिया था। सो इसके अंदर आप वेव पूल, यहाँ पे काफ़ी तरीके के पूल्स हैं। सबसे पहले वेव पूल है, एक डेडिकेटेड पूल है जो कि फीमेल्स को डेडिकेट किया गया है, और रेन डांस के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें आप फैमिली के साथ पूरा फन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आप फैमिली के साथ फ़न कर सकते हैं, और यहाँ पे सिक्योरिटी का भी खूब ख्याल रखा गया है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ताकि किसी को चोट ना लगे। और अगर आप वाटर स्लाइड्स के शौकीन हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। यहाँ पे लोग काफ़ी सारी स्लाइड्स का एंजॉयमेंट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 से भी ज़्यादा स्लाइड्स हैं और बहुत ही अमेजिंग हैं। इस वाटर पार्क के अंदर आपको गहराई वाला पूल भी मिलेगा, तो जिनको स्विमिंग करना पसंद है तो वो इस पूल के अंदर आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का आना सख्त मना है। अब जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये है पेंडुलम स्लाइड, जिसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है आप सभी को। ये अगर आप बिरला सिटी वाटर पार्क आ रहे हैं तो ये स्लाइड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बिरला सिटी वाटर पार्क की कैफेटेरिया बहुत ही बड़ी है, जिसमें इजीली 500 लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है, और यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी मिलेगी आपको खाने के लिए। बट ध्यान रखिए, यहाँ पे सिर्फ कैश चलता है। बिरला सिटी वाटर पार्क के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा रेन डांस एरिया है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा फन कर सकते हैं। यहाँ पे इजीली 200 लोग एक साथ नाच सकते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। कॉस्ट्यूम चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो कॉस्ट्यूम फ्री है, बट आपको उसके लिए टिकट शोकेस करनी पड़ेगी। अब जिस वाटर पार्क के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, यह है डॉल्फिन वाटर पार्क, और ये अजमेर में रिसेंटली ओपन हुआ है। बहुत ही नीट, बहुत ही टाइडी और बहुत ही स्पेशियस। यहाँ पे जाके आप बहुत ज़्यादा फन करने वाले हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये सबसे सस्ता वाटर पार्क है, यानी कि बच्चों की फीस सिर्फ 250 और बड़ों की 300 इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी डेज। इस वाटर पार्क के अंदर काफ़ी सिक्योरिटी का ध्यान दिया गया है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाउंसर्स और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। अगर आप पान, बीड़ी, गुटखा लाते हैं तो वो चीज़ें अलाउ नहीं है, ना ही इस एरिया में स्मोकिंग अलाउ है। प्लीज़ इन चीज़ों को घर पे रख के आइएगा। दूसरी चीज़, जैसे ही आप एंट्री करेंगे वैसे कितना खूबसूरत
एंट्री पीस दिखेगा आपको। अब हम बात करते हैं कॉस्ट्यूम चार्जेस की। सो फीमेल का कॉस्ट्यूम चार्ज है 100 और बॉयज का और जेंट्स का कॉस्ट्यूम चार्ज है 50 रुपीज़। लेकिन इसके साथ आपको 200 सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ेगा जो कि रिफंडेबल है, बट ये सब कुछ आपको कैश में देना होगा। अगर आपके पास कैश नहीं है तो आपको कॉस्ट्यूम नहीं मिल पाएगी। इस वाटर पार्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है जिसमें बच्चे खेल सकते हैं और बहुत ही नीट एंड टाइडी है। सो ओवरऑल इस पार्क के अंदर 4 पूल्स हैं जिसमें आप और आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। इस पार्क के अंदर बड़े बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। हर एक पूल के अंदर सिक्योरिटी गार्ड है जो कि आप ध्यान रखेगा कि किसी भी बच्चे को या फिर किसी भी बड़े को चोट ना आए। दूसरी चीज़, यहाँ पे बड़ों के साथ साथ बच्चों का भी बहुत ही सुंदर पूल है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि पानी सिर्फ 2 फीट से ज़्यादा नहीं होगा और बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्लाइड भी है। इस वाटर पार्क में रेन डांस की भी फैसिलिटी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही रेन डांस रहेगा जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं। इनके कैफेटेरिया में स्पेस बहुत है, बट खाने के लिए आपको पूरी मील नहीं मिल पाएगी, यहाँ पे आपको स्नैक्स ही मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। काफ़ी एफर्ट लगे हैं ये दोनों वीडियो कोलेक्ट करने में। हम जयपुर से अजमेर तक गए हैं आपको ये पूरी डिटेल्स देने के लिए। होपफुली आप हमारे इस एफर्ट को सराहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे इस वीडियो को लाइक करके। थैंक यू।